तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे क्या व्यू दिख रहा होगा ना। देखिए छोटा छोटा चबूतरा है और स्तूप बना हुआ है। क्या एक में कितना, दो चार छ आठ देख सकते हैं, आठ ही एक मिलते। यहाँ से पूरा एक नीचे गया है और यहाँ से हो गया है कितना, आठ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल धीरज मेहता ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बीच रास्ते में हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं नालंदा का खंडर, जो कि नालंदा का यूनिवर्सिटी होता है, पूरा ऑल इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, जो कि अंग्रेज़ों ने जला दिया था उसको। तो चलिए आज हम उसका पूरा व्यू दिखाते हैं, जो उसका पूरा दिखाते हैं रिव्यू कैसा है, वो है और कैसा अभी दिख रहा है। तो फ्रेंड अभी हम बीच रास्ते में हैं और बीच रास्ते में देख सकते हैं सैनिक का स्कूल है, जो कि नालंदा का सैनिक का स्कूल है, बहुत बड़ा यहाँ पे स्कूल है। तो चलिए इसका गेट पे दिखाते हैं अभी। फ्रेंड अभी हम आ गए हैं सैनिक का स्कूल के पास। अभी देख सकते हैं ये साइड में पुराने जो जवाने के हैं, देख सकते हैं यहाँ पे तोप लगा हुआ है। क्या बहुत मस्त है। और एक गेट रहा सैनिक स्कूल नालंदा का, और देख सकते हैं क्या व्यू है, जो हमारे जवाने का, पूरा हमारे इंडियन आर्मी जो चलाते थे पाकिस्तान के लिए। तो जय हिंद। तो एक लाइक कर दीजिएगा हमारे इंडियन आर्मी के लिए। और क्या खूबसूरत है पीछे, वायु भारतीय वायुसेना का दिख रहा होगा ये एरोप्लेन। तो अभी बैक कैमरा से दिखा देते हैं आपको कैसा दिखता है। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पे सैनिक स्कूल नालंदा का। और ये जो तोप है ना, ये हमारे इंडियन आर्मी चलाते थे, तो वहाँ से यहाँ पे आया होगा सैनिक स्कूल में। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं यहाँ से। इसका गेट इंट्री कर रहे हैं, देख सकते हैं ये गेट है अंदर अभी जाने के लिए। तो चलिए अंदर दिखाते हैं अभी। तो फ्रेंड अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे क्या है ना कि अभी टिकट कटाना पड़ेगा, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो अभी चलिए अंदर जाते हैं, उसके बाद टिकट कटा लेते हैं, उसके बाद चलिए दिखाते हैं आपको पूरा खंडर का सीन। तो फाइनली गाइस अभी देख सकते हैं टिकट इधर कट गया पूरे 40 का, अभी एंट्री कर रहे हैं इधर, देख सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम अंदर एंट्री ले लिए हैं और जा रहे हैं अभी खंडर पे जाने के लिए। और देख सकते हैं कुल अभी हिमाचल से आए हुए हैं। तो अभी चलिए दिखाते हैं अंदर खंडर का पूरा सीन। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी हम एंट्री कर गए हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है, देख सकते हैं कितना, और इधर लोग बैठे हैं। तो चलिए पूरा दिखाते हैं आपको, और क्या खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं चीन से, नेपाल से, या फिर हिमाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से बहुत लोग आते हैं। तो चलिए दिखाते हैं अभी अंदर एंट्री करते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं गाइस अंदर अभी घुस गए हैं और कुछ इस तरह का नजारा है। और ईंट तो देख लीजिए कितना खराब हो चुका है, अभी पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया है। और देखिए चलिए आपको दिखाते हैं बाहर से। तो देख सकते हैं कुछ नालंदा खंडर का कुछ इस तरह का नजारा है, और खूबसूरत फूल लगा हुआ है। देखिए कुछ यहाँ पे बता रहे हैं सर। तो मोनास्ट्री लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड अप टू द 11th ब्लॉक, फ्रॉम दैट मोनास्ट्री अप टू दो थर्ड ब्लॉक रेसिडेंस हाउस, फ्रॉम दैट मोनास्ट्री इसमें कुतुब मीनार हॉल, देयर लेक्चर हॉल, प्रेयर हॉल, असेंबली हॉल, एंड दैट वाज द पोडियम इज वाज द टीचर टू डिलीवर लेक्चर। देख सकते हैं इधर अभी काम चालू है और इधर जाने के लिए रास्ता बन रहा है, जो कि लकड़ा का है। और देख सकते हैं कुछ खंडर का ही सीन है। तो आगे कुछ कुआं दिख रहा है, जो कि
पूरा रहस्य का है, पूरा पुराने जमाने का। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं गाइज, ये बहुत कुआं है और गहरा बहुत सारा है, और पानी जो है ना सूख गया है, तो इसमें पानी नहीं है। पहले रहते थे यहाँ पे, पढ़ते उठते थे ना, जो यूनिवर्सिटी वहां पे थे। तो देख सकते हैं कितने, वाह, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो भाई देख सकते हैं ये शहर में कितना पूरा यूनिवर्सिटी है, कितना बड़ा है, और बहुत दूर तक है। अभी देखिएगा ना, बहुत दूर तक है यूनिवर्सिटी, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। आपको मजा लग रहा होगा ना यार, एक बार जरूर आइएगा यहाँ पे, देखिएगा कितना खूबसूरत बना हुआ है। अभी बताइए तो, इतना मोटा मोटा दीवार है, अभी वर्षों तक कुछ नहीं होगा। और देख सकते हैं साइड में कुआं है। तो चलिए दिखाते हैं अभी रूम है जो कि कैसा कैसा दिखता है, पहले जमाना का रूम। तो हाँ, वीडियो को पूरे तक लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो छोटा सा छोटा रूम है, पर इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। देख सकते हैं छोटा रूम है, और छोटे छोटे बहुत सारा रूम है जो कि यूनिवर्सिटी था, पढ़ते होंगे जवाने में कुछ। बुद्ध भगवान का धरती है ये, चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के लोग पढ़ते थे उस जमाने में, और ये सुमन भी है ना, ये देखिए ऊंचा ऊंचा, यहाँ पे लोग भी बैठ के पढ़ते थे, और यहाँ से ऊंचा से पढ़ाते थे और नीचे बैठ के पढ़ते थे यहाँ से। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में आज आए हुए हैं। अगर पढ़ाते ना तो आज पढ़ लेता, पर क्या करें, पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का, पूरा खंडर हो चुका है, टूट गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान के रहने वाला खिड़की था ना, वो बहुत समझ जाए कि आतंकवादी ही था वो पूरा औरंगजेब। और देखिए यहाँ पे टेंपल, तो यहाँ पे क्या है, सब लोग तोड़ दिए हैं, टूटे फूटे पड़ा हुआ है कुछ। और यहाँ पे पानी का सिंचाई हो रहा है, क्योंकि जो हरे रहना। और यहाँ पे एक और रहस्य है, चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं ना, तो एक चीज और देखने को मिलता है, देखिए किसी में एक है ना, और इसमें देखिए कितना, ये पता नहीं खजूर का पेड़ है, और देख सकते हैं एक में कितना, दो चार छ आठ, दो चार छ आठ, देख सकते हैं आठ ही एक मिलते, यहाँ से पूरा एक नीचे गया है, और यहाँ से हो गया है कितना, आठ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आते हैं तो कुछ और दिखने को मिलता है, और बहुत सारा यहाँ पे है, कपल भी आते हैं, सब लोग यहाँ पे बैठते हैं, घूमते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी है, वो बता रहे हैं, देख सकते हैं बहुत सारा तोड़ दिया गया है, जो औरंगजेब थे उसे तोड़ दिया। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भी, चलिए ऊपर दिखाते हैं आपको कुछ इस तरह का नजारा है। इसका दीवार देखिए कितना मोटा मोटा है, चलिए ऊपर दिखाते हैं। हाँ वीडियो बड़ा हो सकता है, पर हाँ पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा लंदन का खंडर जो भी है। देख सकते हैं, पता नहीं आज से कितना साल पहले, 200-300 साल पहले या हजारों साल पहले होगा बना हुआ। तो देख सकते हैं कुछ पूरा, जो पूरा खंडर हो चुका है, और इसे तो जल्दी मिलता है नहीं चढ़ने के लिए, पर इस पर सिक्योरिटी नहीं है, तो मिल गया चढ़ने के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ से व्यू जो है ना आपको दिखा रहे हैं आज ऊपर से, कुछ इस तरह का खंडर दिखता है, देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत दूर तक है, इधर तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कोहरा है ना छाया हुआ, तो दिखेगा नहीं। तो चलिए आपको पूरा व्यू दिखाते हैं जो भी रहेगा, और आपको तो फ्रेंड एक बार जरूर आइएगा यहाँ पे, देख सकते हैं वो क्या व्यू दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद लगता है ना कि घर जाऊं नहीं, इतना
पूरा फील हो रहा है यहाँ पे, इतना स्वस्थ है और सुंदर भी बनाया हुआ है। तो चलिए जो भी और है आगे दिखाते हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा इन तक बने रहिएगा। तो चलिए दिखाते हैं पूरा, आपको व्यू दिखाते हैं पूरा लास्ट तक। तो फ्रेंड यहाँ पे आने के बाद एक चीज और दिखा जो आपको आप कभी देखेंगे नहीं। तो देखिए ये पुराने जमाने के रेलगाड़ी देख सकते हैं, ये पुराने जमाना का रेलगाड़ी है और देखिए इसका छोटा छोटा चक्के है और गाड़ी क्या बनाया गया है डिजाइन से। और इसका रेल का पटरी है ना, जी देख सकते हैं पूरा पटरी भी दिख रहा होगा और गाड़ी। चलिए दिखाते हैं खंडहर से ऊपर से। तो फ्रेंड यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर अभी आए हुए हैं, तो बहुत सारा बड़ा आंगन है और देख सकते हैं ये आंगन के बीच में पढ़ाई होता होगा और रूम बहुत सारा है चारों साइड में, नजारा रूम ही रूम है। और ये कुछ इस तरह का बनाया गया है देख सकते हैं, ये गड्ढा गड्ढा ये पानी के लिए बनाया गया होगा, जैसे कि बारिश होता है ना तो पानी कुल इसमें चला जाता होगा। और एक फिर इधर एक तो उधर कुआं दिखा और एक इस साइड में कुआं दिखा, तो देखते हैं इसमें पानी है कि नहीं है। पूरा डर भी लग रहा है, नहीं इसमें भी पानी नहीं है। और देख सकते हैं कुछ इधर आए हुए हैं हिमाचल से या फिर नेपाल से होंगे, तो इधर से शरणार्थी आके घूम रहे हैं और इधर कुछ यहाँ पे लिख देते हैं आई लव यू या वी एस अपना नाम जो होते हैं लिख देते हैं। कपल यहाँ पे बहुत आते हैं घूमने के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे और क्या व्यू है, एक बार जरूर आइएगा यार। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का नजारा है और बहुत सारा स्तूप है यहाँ पे, देख सकते हैं कितना स्तूप है, ये ऊंचा पूरा पूरा खंडर ही खंडर है, बहुत इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे क्या व्यू दिख रहा होगा ना, देखिए छोटा छोटा चबूतरा है और स्तूप बना हुआ है, क्या व्यू दिख रहा है, लग रहा है कि आज यहीं पे रहूं और क्या इंटरेस्टेड है। और देख सकते हैं सिक्योरिटी भी बहुत है, अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है। तो कौन सी कंट्री से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से, और थैंक यू अंकल। ये क्या बन रहा है ऊंचा ऊंचा? पेड़ रोपाएगा। अच्छा पेड़ रोपाने के लिए, मैं सोचा कुछ है इस। तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा होगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को घंटी जरूर बजाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।